बच्चों ज़िंदगी की खूबसूरती हर इंसान चाहता है और ये सिर्फ दर मुस्तफ़ा से मिलेगी। एक अच्छा बेटा, पहली शक्ल है अच्छा बेटा, और मेरा नबी कह रहा है काश मेरे माँ बाप ज़िंदा होते और नहीं तो मेरी माँ ज़िंदा होती तो तुम देखते मैं क्या करता, मैं इशा की नमाज़ के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से मेरे घर से मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज़ तोड़ देता। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं माँ के लिए नमाज़ तोड़ देता। और मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? ये बच्चियाँ गौर से सुने, सारे सुनो पर ये ख़ास तौर से सुने। आपने कहा अल्लाह को पता है, कि या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, तो आपने कहा जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी, जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, जब माँ के साथ बेटियां नौकर जैसा सलूक करेंगी, नौकरानी जैसा सलूक करेंगी तो क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ के रहेगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैल जाएगा और जब इस्लाम मिट जाएगा, उस हालांकि क़यामत तो उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये वाक़या की संगीनी को बताने के लिए फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा उवैस, उसका कबीला होगा मुराद, आगे सब कास्ट होगी कर्म, उवैस बिन आमिर, उसे दुआ करवाना, वो काले रंग का होगा, छोटे कद का होगा, और उससे दुआ करवाना, दुआ तू भी करवाना अली, तू भी करवाना। अली और उमर उवैस उनके लिए दुआ करें। उन्होंने पूछा क्यों? कहा उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इतना राज़ी कर दिया है, जब वो हाथ उठाता अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अल्लाह की कसम उमर और अली को उवैस की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, उम्मत को पैगाम देना था कि माएँ जलील हो रही हैं आज और बाप जवान औलाद से छुपते फिर रहे हैं, तो मेरे रब मेरे नबी ने यह आगे पैगाम देना था कि नबी होकर रसूल होकर कह रहे हैं काश माँ होती तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देता। आपको 8 औरतों ने दूध पिलाया वालदा समेत, उनमें एक उम्म ऐमन भी हैं, आपके वालिद की बांदी। तो घर में तशरीफ़ फरमा थे, उम्म ऐमन बैठी थी हज़रत आयशा, तो उम्म ऐमन कहने लगी या रसूलल्लाह पानी तो पिला दें। तो अल्लाह के नबी एकदम उठे, तो हज़रत आयशा नाराज़ हो गई, उम्म ऐमन अल्लाह के रसूल को कहती पानी पिला। तो और क्यों ना कहूँ, मेरा बेटा है मैंने दूध पिलाया। तो हज़रत मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ आयशा ये मेरी माँ है, इसका मैंने दूध पिया है। आप उठे, घड़े में से पानी भर के यूं दोनों हाथों से हज़रत उम्म ऐमन को पेश किया जो हबशी बांदी थी, क्योंकि दूध पिया है तो माँ का लफ्ज़ सादिक आ गया। तो बजाय इसके कि बुरा मनाते आप खादम बन के अपने अपनी माँ को, दूध पिलाने वाली माँ को आपने, हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाईं, आपने अपनी चादर बिछा कर उसके ऊपर बिठाया। हमें 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 पैगाम देना था, आने वाले ज़मानों में ये होना था। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा का नाम तो सबको मालूम है ना। एक और आलिम बताता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। इनमें इल्मी खटपट थी बहुत ज़्यादा, आपस में बनती नहीं थी। तो अबू हनीफा जैसी हस्ती जिनके करोड़ों फॉलोअर आज हैं, उनकी माँ कहती नोमान ये मसला है, जाके अब्दुर्रहमान से पूछ के आ। ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं कहा माँ जी मैं उसको लू बड़ा आलिम है मेरे को लू पूछ लो। कहा अच्छा माँ जी। अपनी चादर उठाते और पहुँच जाते दरवाज़े पे दस्तक दे के भाई मुझे मेरी अम्मा ने भेजा है, आप इस पर फतवा। हालांकि उनकी अपनी राय उसके ख़िलाफ़ होती थी, लेकिन माँ के एहतराम में जाकर उनसे मसला पूछते जिनसे रोज़ाना मुनाजरा होता था, रोज़ाना खटपट होती थी इल्मी। माँ ने कह दिया, जाकर उनसे पूछ के आते थे। अपने इतनी बड़ी इल्मी कदर व मंजिलत को एक तरफ रख देते थे, नहीं मेरी माँ ने मुझे कहा है। तो आप सब नौजवान हो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ लो, आह ना लो, दुआ लो।